डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राम कुमार उर्फ चिंकू यादव डुमरियागंज नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतिकुर रहमान के साथ रोड शो किया। वे अपने समर्थकों के साथ कस्बे के विभिन्न वार्डों में रोड शो कर लोगों को बता रहे हैं कि टाउन के हक और इंसाफ के लिए सपा उम्मीदवार अतिकुर रहमान ही सक्षम है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने काम के लिए जानी जाती है। भाजपा के शासन में विकास कार्य ठप हो चुके हैं, इससे लड़ने के लिए आपके बीच एक ईमानदार छवि का प्रत्याशी मैदान में है। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाकी, खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतिकुर रहमान साहब और जिनके टक्कर में कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जनता से जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम अपनी सरकार में किया था। और यहाँ इस नगर पंचायत में जो भी वादा हमने किया है, पानी सड़क से लेकर के अच्छी व्यवस्था, दवाई पढ़ाई मुफ्त करवाने की, वो पूरा का पूरा काम अतिकुर रहमान को हम लोग नगर पंचायत अध्यक्ष बना करके पूरा काम करेंगे। प्राथमिकता होगी नगर पंचायत को, नगर पंचायत के विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम विकास पर ही भरोसा करते हैं। नगर की ठप पड़ी विकास कार्य को हम पूरा करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है और जिस तरीके से नगर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अगर हम नगर पंचायत अध्यक्ष हुए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था और नगर को साफ सुथरा रखा जाएगा। जगह जगह पर सोलर लाइट की स्थापना की जाएगी और सार्वजनिक स्थलों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिकता